पूरे देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती तादाद को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिसके तहत पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी को स्थानांतरण कर बस डिपो में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां जिला प्रशासन के आदेश अनुसार बस डिपो में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सब्जी बेचने की भी सलाह दी गई थी। वहीं कुछ सब्जी विक्रेता बस डिपो में सब्जी न लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए रोड पर ही सब्जी बेचने लगे, जहां सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बस डिपो में ग्राहक नहीं आते हैं, जिससे वह विवश होकर रोड पर ही उन्हें सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं आज पुलिसकर्मियों द्वारा रोड पर सब्जी बेचने को मना किए जाने पर सब्जी विक्रेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सब्जी रोड पर फेंक कर हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना मिलते ही पहुंचे पुलिस सब्जी विक्रेताओं को समझा बुझाकर शांत कराया और बताया कि प्रशासनिक आलाधिकारी के आदेश अनुसार बस डिपो में सब्जी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बेचने की सलाह दी गई है, जिसका पालन सबको करना है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस आया, सामान बिक दिया किसान के, एगो है से मारे तराजू ले जाता, उठा के सौदा बिक जाता है। ई वाला में कोई भीड़ है बताइए, ई बंद कर कौन मतलब है? पंचित का हाथ है, हमें सब जो है कोई के नहीं है दावा, बाकी जैसे भाई सब बंद करवा दिया। किसान का हाट है तो हम लोग किसान के अथी में बचे हैं, हम क्या हुआ है क्या जहाँ जाता आज क्या हुआ था? आज हुआ कि हम लोग पुलिस आ रहे हैं, हम लोग भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, ऊपर से आते हैं तो मारते हैं, चल जाता है जनता लोग कहाँ जाएगा? हम लोग खरीद लेंगे तभी ना काम निकलेगा। नाम बता दीजिए। नाम दीना देवी है। कुछ औरतें जो है ना यहाँ से हटाना नहीं चाह रही है, तो हम करेंगे वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं पर लाएंगे, मेरा नहीं दिख रहा है, यही तो है जो हटवा रहे हैं लोग जो कर रहे हैं। हाँ, इनको व्यवस्था किया गया पूर्व रूप से, वहाँ जाने के लिए व्यवस्था किया गया, लेकिन खींच नहीं जा रहे हैं लोग। देख दिया गया था नहीं, सब्जी जितने भी रोड पर फेंका गया है समझा, यह लोग अपने जबरदस्ती सब्जी फेंके हैं, आग लगाए, इससे दूसरा कुछ नहीं है, और ये लोग जबरदस्ती जाना नहीं चाहते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।